हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे थे फ्लो कंट्रोल के बारे में, और फ्लो कंट्रोल में हमने अभी तक कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे, इफ, एल्स, एलिफ और एलिफ एल्स, ये सारे हमने देखे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे लूपिंग कॉन्सेप्ट की, तो लूपिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है और फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन दी थी, सारी चीज़ें हमने देखी थी। फॉर लूप की इससे पहले दो वीडियो हो चुकी हैं और स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स की इससे पहले दो वीडियो हो चुकी हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन रखें, सो दैट जितने भी वीडियोस पोस्ट होती है वो तुरंत आपको सारी इन्फॉर्मेशन्स की मिल जाए। और इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा वीडियो के लास्ट में, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नाउ, फॉर लूप के बारे में हमने पूरी बात की, फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, रेंज फंक्शन का कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। अब हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं लूप में, विच इज अ व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल लूप के बारे में मैंने लूपिंग के पहली वीडियो में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ये प्री टेस्टेड होता है, यानी हमें कंडीशन बतानी होती है, हम कंडीशन क्या करते हैं वो रन करता रहता है, हम बाद में इसको कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको प्री टेस्टेड लूप कहते हैं। ओके, इट कैन बी व्यूड एज रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट, जैसे इफ स्टेटमेंट होता है, जब तक वो चलता रहेगा, जब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी, तब तक वो इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, यहां पर अगर कभी ऐसा होता है कि हमें नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता, हमें नहीं पता कि कब तक मुझे ये चलाना है, तो उसके लिए जो व्हाइल लूप है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है हमारे लिए। ओके, इसका सिंटैक्स अगर आप देखो तो व्हाइल एक्सप्रेशन, व्हाइल के बाद हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बाद कोलन के साथ स्टेटमेंट। कोलन लगाने पर जब आप एंटर करोगे तो आपको इंडेंटेशन के रूल को फॉलो करना है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में काफी डिस्कस किया हुआ है। आई होप वो सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। व्हाइल लूप देखने से पहले आप फॉर लूप की वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट को समझने में। ओके, नाउ व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट, ये व्हाइल लूप का एक फ्लो चार्ट है। एक कंडीशन हमने दे दिया, कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। ओके, हर बार लूप चल के फिर कंडीशन चेक करेगा, अगेन लूप में आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कभी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा और आपको आउटपुट प्रिंट करेगा। ओके, कैसे, इसको एक हम एग्जांपल समझ लेते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं न्यू फाइल में, मान लेते हैं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं 1 by 1 बाय यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, जब भी आप कोई एग्जाम देते हो या किसी इंटरव्यू में अगर जाते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आप बहुत बेसिक क्वेश्चन, जैसे टेबल बनाओ। अब टेबल बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, आप फॉर लूप फॉर का यूज करो या तो व्हाइल का यूज करो। ठीक है, अगर वहां मेंशन है कि आप व्हाइल का यूज करें तो आपको व्हाइल लूप ही यूज करना होगा। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है, कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो, तो आप फॉर और व्हाइल किसी के भी साथ जा सकते हो जो आपको क्लियर हो, जो आपको आसानी से समझ आए। कॉन्सेप्ट दोनों के क्लियर है, फॉर के भी क्लियर है और व्हाइल के भी क्लियर है, बहुत आसान है। ठीक है, बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ मान लेते हैं मैंने ले लिया i = 1, क्यों, क्योंकि लूपिंग को हम स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, व्हाइल देखिए, जैसे आप व्हाइल लिखोगे कलर चेंज हो जाएगा, जो कि क्या बताएगा, इसको कीवर्ड बता देगा। ठीक है, अब कंडीशन में क्या देनी है, हमें 10 तक चलाना है, तो कंडीशन क्या होगी कि व्हाइल i < 10। ठीक है, यानी जब तक i की वैल्यू 10 होती रहे आपको क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, आई को। और भाई अगर आप ऐसे छोड़ दोगे, अगर आप ऐसे छोड़ देते हो तो आपकी क्या है, एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा, क्यों, क्योंकि आगे फॉरवर्ड होना है कि नहीं होना है यहां पे इसको क्लियर नहीं है कि इसको आगे जाना है, ये फॉर लूप नहीं है, आपको यहां भी कंडीशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, i = i + 1। ये देखिए i = i + 1 जो है वो आपका लूप के अंदर ही है। ठीक है, वाइल के अंदर ही है, वाइल की बॉडी के अंदर ही है। तो पहले i की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट किया, कंडीशन चेक किया कि i 1 जो है वो 10 से छोटा है। ठीक है, 1 को प्रिंट हो गया, फिर नीचे आएगा, अब i की वैल्यू बढ़ाएगा, 1 था, 1 + 1 यानी 2, 2 कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, प्रिंट करेगा उसको। ठीक है, कैसे करेगा, सेव करते हैं प्रोग्राम को, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं।
while1.py. ओके नाउ इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है 1 to 10, ये देखिए 1 से लेके 10 तक, ठीक है, क्लियर आपको बिल्कुल रिजल्ट मिल जाएगा 1 by 1, जैसे फॉर में करते थे वैसे हम यहां करते हैं, ठीक है। मान लो यहां पे मैंने लिया i इक्वल टू 10 और मैंने इसको क्या कर दिया 20, ठीक है, आपको 20 तक ले जाना है, ठीक है, रन कराइए दिस 10 to 20। ओके आई होप सबको ये क्लियर होगा। अब आपको मान लो रिवर्स करना है, 10 से शुरू करना है और हमें जाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, कि भाई 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, ये आपको क्या कर देगा, ये आपको रिवर्स कर देगा, यहां पर क्या लगा दो माइनस लगा दो, रन कराया ये देखिए 10 9 है 0 तक, ठीक है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो मुझे टेबल निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लूप हमने फॉर का यूज करके भी टेबल निकाला था, अब देखते हैं कि अगर हम व्हाइल का यूज कर रहे हैं तो हमारा टेबल किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 मैंने ले लिया, यानी हम 1 से शुरू कर रहे हैं इसको, ठीक। अब नंबर हम कहते हैं यूजर से ले लो, तो नंबर इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इनपुट यूजर से लेंगे, यूजर से कहेंगे कि एंटर अ नंबर, ठीक है, यूजर सबने कहा कि आप एक नंबर एंटर करो, ठीक। अब यहां कंडीशन आप लगाइए व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। अब देखिए टेबल कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा, स्टार्ट कहां से कर रहे हो आप, 1 से कर रहे हो, ठीक है, कोलन एंटर, कोलन के बाद, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, कोलन के बाद आप एंटर करोगे तो कर्सर जहां पे जाएगा आपको वहीं टाइप करना है, ठीक है, इंडेंटेशन रूल को फॉलो करना है। नाउ प्रिंट आप क्या करोगे, प्रिंट आप करोगे नंबर इनटू आई, आई 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक जाएगा और जितनी बार नंबर आएगा आपको क्या करना है, उसको नंबर से आई के साथ वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक। अब वो वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, वैल्यू बढ़ेगी कैसे, तो उसके लिए आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, बिल्कुल सिंपल, आई की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई हुआ नंबर से, आई की वैल्यू फिर वो क्या करेगा इंक्रीज कर देगा, 2 हो गया मल्टीप्लाई हुआ नंबर से, कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा। चेकआउट द आउटपुट, आउटपुट चेक करते हैं, एंटर नंबर मैंने 5 एंटर कर दिया, ये देखिए 5 10 15 20 25, ओके 10 तक चला, आपका ये आंसर आ गया। ओके आई होप सबको ये क्लियर होगा। और एक और होमवर्क फिर आपके लिए, आप खुद से ट्राई करो रिवर्स टेबल, व्हाइल का यूज करके आपको रिवर्स टेबल करना है वैसे बहुत आसान, जैसे मैंने अभी माइनस करके बताया था बिल्कुल वैसे ही हो गया, बट डू इट योरसेल्फ, इसे आप खुद से करो। ओके आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ फिर बात करते हैं इनफिनाइट व्हाइल लूप की। इनफिनाइट देखिए, जब भी इफ की कंडीशन, जब कोई भी आप कंडीशन जब दे रहे हो, ठीक है, कंडीशन अगर आपने जो दिया हुआ है अगर वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो व्हाइल लूप जो है वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं इनफिनाइट लूप, यानी वो कभी बंद नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनफिनाइट लूप कहते हैं, ठीक है। किस तरीके से, कैसे करते हैं, देखिए मान लो सिंपल सा बिल्कुल तरीका, मैंने यहां पे लिख दिया व्हाइल 1, ठीक है, व्हाइल 1 सिंपल, प्रिंट इनफिनाइट लूप, मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, रन कराते हैं इसको, देखिए ये चल रहा है, नीचे देखिए, ये देखिए, देखा ये अपने आप बढ़ता जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने नॉन जीरो नंबर दे दिया हुआ है, कंडीशन कोई है नहीं, तो ये बार बार रन करता जाएगा, देखिए ये कह रहा ना जो प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वॉन्ट टू किल इट, यस, ओके, इसको हम कहते हैं इनफिनाइट लूप, जो कि खत्म नहीं होता, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका देख लें, अगर हम मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया वी, वी इज इक्वल टू 1, ठीक, अगेन व्हाइल यहां पर मैंने लिखा वी नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, वी की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, ओके, तो यूजर से भी ले लेते हैं कि भाई आप कोई नंबर दो, तो i इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ओके, फिर इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट
entered value is curly bracket, entered value is percentile d क्यों लगाते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो. ओके, percentile of i. ओके, नाउ अब देखिए यहां पर मैंने ये इसको इनपुट दे दिया. अब देखिए यूजर से वैल्यू लीजिए, मैंने दे दिया 5. देखो एंटर्ड वैल्यू इज 5, एंटर नंबर 3, एंटर नंबर इज 3, एंटर नंबर 3, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 2. ये देख रहा है, ये चलता रहेगा. ओके, आप कोई भी नंबर दोगे ये चलता रहेगा. इसी को क्या कहते हैं, इसी को इनफिनाइट लूप कहते हैं. देखिए फिर वही, योर प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वॉन्ट टू किल इट, यस. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनफिनाइट लूप कहते हैं. इनफिनाइट लूप एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, तो आई होप सबको ये क्लियर होगा कि जब भी लूप एंड ना हो तो उसको हम इनफिनाइट लूप कहते हैं. हमने इनफिनाइट लूप के दो एग्जांपल देखे, आई होप ये सबको क्लियर होगा. ओके, नेक्स्ट. अब हमारा आता है यूजिंग एल्स विथ व्हाइल लूप. भाई एल्स का हम यूज कैसे करें व्हाइल लूप के साथ? ठीक है, पाइथन हमें एल्स स्टेटमेंट का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसको व्हाइल लूप के साथ यूज कर सकते हो. एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जब व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा. ठीक है, यानी जब व्हाइल लूप का स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, लूप की तरह, जैसे मैंने लूप में बताया था कि लूप जो व्हाइल लूप है वो भी क्या होता है, ब्रेक के थ्रू ब्रोकन होता है. ब्रेक में कैसे बात होती है वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉर लूप में एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें ब्रेक का यूज किया था. ठीक है, तो ब्रेक का यूज क्या होता है, वो क्या करता है, फ्लो को ब्रेक कर देता है, फ्लो को काट देता है. यानी आपने कोई लूप चलाया हुआ है, बीच में आपने ब्रेक लगा दिया, तो जो प्रोसेसर है वो उसके आगे फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके आगे नहीं जाएगा. ठीक है, तो व्हाइल में इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, आइए देखें. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, व्हाइल लूप में हम एल्स का कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं. एक नई फाइल बना लेते हैं. ओके, मान लीजिए मैंने यहां पर दे दिया आई इज इक्वल टू 1. ठीक है, आई की वैल्यू मैंने 1 दे दी. ठीक, व्हाइल i less than equal to 5, जब तक i की वैल्यू 5 से कम होती है तो ये प्रिंट करेगा i को. ठीक है, और हर बार i is equal to i plus 1, जैसे हमने अभी किया था. नाउ देन एल्स, अब एल्स की बॉडी आती है जब नंबर ऐसा नहीं रहेगा, जब ये एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा, जब व्हाइल लूप की बॉडी खत्म हो जाएगी, तो प्रिंट एग्जिटिंग. ओके, तब ये प्रिंट करेगा एग्जिटिंग. फाइल को सेव करते हैं डेस्कटॉप पर. पहले प्रोग्राम का नाम वाइल वन था, इसको वाइल टू कर देते हैं, वाइल टू डॉट पी वाई. ना प्रोग्राम को रन कराते हैं. देखिए 1 से लेके 5 तक आपको नंबर तो एज इट इज मिलेंगे, उसके बाद एल्स एग्जीक्यूट होगा. ये देखिए 1 2 3 4 5 एग्जिटिंग. ठीक है, वहां पर आपका नंबर इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, इनकेस अगर आप वैल्यू चेंज करते हो, मान लो मैंने आई इक्वल टू 10 दे दिया. अब जब आपने 10 दिया तो क्या ये लूप एग्जीक्यूट करेगा? यहां कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए. यहां आई की वैल्यू 5 से कम नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा? ये देखिए एग्जिटिंग. यानी सिर्फ एल्स का स्टेटमेंट क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ. क्यों? क्योंकि व्हाइल लूप का स्टेटमेंट जो था वो क्या हो गया, वो फेल हो गया. ठीक है, देखिए यहां पर I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए, मैंने दे दिया 10, तो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन इज फॉल्स. तो जब while की कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या एग्जीक्यूट होगा, else एग्जीक्यूट होगा. ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा. अब इसी में हम ब्रेक का यूज अगर देखें, तो ब्रेक का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहां पर I इज इक्वल टू आई प्लस 1 मैंने लिखा हुआ है. अब इसी के अंदर मैंने इफ भी लगा दिया. If
आई इज इक्वल टू 3। अगर आई की वैल्यू यूजर अगर 3 दे देता है तो वो क्या करे, ब्रेक कर जाए। ठीक है, वो क्या करे, ब्रेक कर जाए। नाउ आइए देखते हैं, रन किया, देखिए 1 2। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 1 और 2, फिर से थोड़ा क्लियर देख लें इसको। देखिए आई की वैल्यू जब 3 हो तो मैंने वहां पर ब्रेक लगा दिया, जब आई की वैल्यू 3 हो जाए तो उसको ब्रेक कर दो। तो 2 बार लूप चला, लेकिन जब तीसरी बार पहुंचा तो वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो आपको जो अगला आउटपुट है वो नहीं मिला। ये ब्रेक का काम है यहां पर। ठीक है, सिंपल। यहां पर मान लो आपने 1 दे दिया, i इज इक्वल टू 1, मैंने ब्रेक करना ही है उसको। ठीक है, देखिए एग्जिस्टिंग, ठीक, क्यों? क्योंकि पहली बार तो वो चले गई, पहली बार i की वैल्यू 1 तो इनिशियली है तो वो एग्जीक्यूट करेगा ही। ओके, तो जब भी आप यहां पर कोई और वैल्यू दे रहे हो, मान लो मैंने 4 दे दिया, तो 4 के बेसिस पे वो क्या कर रहा है, 4 के बेसिस पे वो पहले 3 बार रन करेगा, लेकिन जब देखेगा लूप के पास पहुंचेगा तो 4th पे उसको क्या मिलेगा, ब्रेक। तो वो ब्रेक करके, स्टेटमेंट को ब्रेक करके वहां से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो else वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि while ऑलरेडी चल चुका है, while लूप 3 बार चलने के बाद ब्रेक हुआ है, तो else एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल था। ओके, नाउ अब बात आती है आपके सरप्राइज की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू का, चाहे आप एकेडमिक परस्पेक्टिव से देखो। तो एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है, विच इज अ फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज बेसिकली हमने मैथ वगैरह में पढ़ा होगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिबोनाची सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि आप प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, फिबोनाची सीरीज आपका स्टार्ट होता है 0 और 1 से। 0 और 1 दो नंबर होते हैं, फिर इन दोनों नंबर को ऐड करके नेक्स्ट सीरीज बनती है, यानी 0 और 1 नेक्स्ट 1, अब 1 और 1 2, 2 और 1 3। ठीक है, ऐसे नंबर्स आगे जाते हैं। ओके, तो इसका प्रोग्राम हम कैसे देखते हैं, या इसका प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नाउ। ओके, अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। आइए, इसका प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको एक बार उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये इसका प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये फिबोनाची सीरीज का, मोस्टली हर जगह हर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। देखिए टर्म, टर्म का मतलब आपको फिबोनाची सीरीज कितनी बार रन करानी है। ठीक है, वो आप बताओगे, 10 बार 20 बार कितनी बार रन करानी है वो आप बताओगे। ठीक है, तो 0 और 1 आपको पहले से उसमें देने होते हैं। यूजर्स आप क्या लोगे, रेंज लोगे कि हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मेनी टर्म्स यू वांट टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। स्टार्टिंग के जो दो नंबर है वो आप पहले से प्रोवाइड करोगे 0 और 1। एक मैंने काउंट ले लिया है 0 से इनिशियलाइज करके। नाउ सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई 0 या फिर कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं है। तो अगर यूजर 0 या 0 से लेस वैल्यू देता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इनवैलिड करके उससे बोलेंगे कि आप वैलिड नंबर दो। ठीक है, अगर टर्म 1 दे रहा है तो 1 भी आपका प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो आप वो भी यूजर क्या बोलेगा इसको, कि आप 1 मत दो, कोई और नंबर दो। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 कंडीशन दे रखी है और ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ये नंबर हटा सकते हो, यहां तक आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया। नाउ यूजर से कहते हैं कि प्रिंट फिबोनाची सीक्वेंस, आप नंबर दे दिया, आपने नंबर आपने दे दिया, अब हम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने जा रहे हैं। तो व्हाइल काउंट लेस देन टर्म कब तक चलेगा, जब तक कि काउंट की वैल्यू टर्म जो आपने दिया हुआ है उससे कम नहीं होती। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा, ए को प्रिंट करेगा और एंड को प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। ठीक है, स्टार्ट होगा 0 से, तो वो ए से शुरू करके एंड तक जाएगा हर बार स्पेस देके। ओके, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये लाइन आप समझो, दिस लाइन, ए की वैल्यू क्या थी, 0, बी की वैल्यू क्या है, 1। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो सीरीज का नेक्स्ट नंबर बनेगा विच इज 1, जो स्टोर किसमें होगा, सी में, प्रिंट हुआ। अब वैल्यू आगे बढ़ी, जब वैल्यू आगे बढ़ेगी तो ये जो सी है, सी आपका क्या है, सी आपका जो नंबर है वो ए और बी को ऐड कर रहा है। ठीक, तो जब एक बार लूप चल जाएगा, जब लूप दूसरी बार जाएगा तो वो क्या करेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी जो बी था वो क्या हो जाएगा, ए, और जो सी था वो क्या बन जाएगा, बी।
अब इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट नंबर आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है। स्वैपिंग हो रही है, यानी ए जो बी है वो क्या बन जाएगा ए, और जो सी है वो क्या बन जाएगा बी, और फिर उसको ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या मिलेगी सी। ये क्या होता रहेगा, हर बार ये बढ़ता जाएगा। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट प्लस इज इक्वल टू वन का मतलब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। ओके, वन बाई वन आपके ये नंबर बढ़ते जाएंगे। ओके, नाउ प्रोग्राम को रन कराते हैं। मैंने रन किया, इसने मुझसे बोला अंदर टर्म, मैंने टर्म दे दिया मान लो 10। ओके, फिबोनाची सीरीज, ये फिबोनाची सीरीज है। 0 1 0 1 को ऐड करके आपको क्या मिला 1। अब 1 मिल गया, अब स्वैपिंग करिए आप, बदल गया। अब 1 और 1 2, अगेन लूप चला। 2 और 1 3, अगेन लूप चला। 3 और 2 5, फिर से लूप चला। 3 5 8 13 21 34, ठीक है। आप लेंथ बढ़ाओगे, वो सीरीज को भी वो आगे बढ़ाता जाएगा। मान लो मैंने दे दिया टर्म्स, दे दिए 15, ये देखिए, ठीक है। जितने भी नंबर है वो अपने प्रीवियस नंबर को ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टस से जरूर पूछा जाता है, एकेडमिक्स में भी आपके जरूर पूछे जाते हैं, स्पेशली जो स्कूल्स में जो आप पाइथन पढ़ते हो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओ लेवल में या फिर कहीं पर भी आप अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगिनर लेवल पे आपको ये क्वेश्चन का प्रोग्राम बिल्कुल आना चाहिए। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो किस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाइल से यूज किया हुआ है इसको, आप इसको फॉर लूप से के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक और होमवर्क आप लोग के लिए, आप लोग की प्रैक्टिस के लिए, कि फिबोनाची सीरीज आप बनाओ फॉर का यूज करके, फॉर से भी बन जाएगा, आसान है। आई होप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है, फॉर लूप से बनाने की भी कोशिश करें। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो ये आपका सरप्राइज था, फिबोनाची सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, नाउ इट्स ऑल अबाउट टुडे। ये सब कुछ व्हाइल लूप के बारे में था, व्हाइल लूप के सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे विद एग्जांपल, आई होप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट की, ब्रेक के हमने एग्जांपल्स देखे अभी, व्हाइल में भी देखे, इससे पहले हमने फॉर में भी देखे थे, तो ब्रेक का सेपरेटली कैसे यूज करें प्रोग्राम में, हम उसके बारे में भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ब्रेक के बाद पास और कंटिन्यू, इसके बाद हम बात करेंगे पैटर्न की, हम प्रोग्राम्स देखेंगे पैटर्न्स के अलग अलग। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, जिसको सॉर्ट आउट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करिए। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।